मतलब ये आंधी तूफान रूप में है। इतने में त्रिनावर्तने कदी ये पहले पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन एक ऋषि आश्रम में प्रवेश करके उसका सारे पेड़ पौधा को तस नस कर दी। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, भगवान तेरे को इसे इतने मोटे से उठनाए, संतों की बगीचा को ठाकुर का बाकी उजो, अभिशाप दे रहा हूँ, तुम्हारे शरीर में जो इतने अभिमान है ना, तेरा शरीर ही नहीं रहेगा। इतना बोल गई, सचमुच से उसका शरीर होने लगे, सारे नशा उतर आ गया। संत की चरण में माफी मांगे, संत बड़े दयालु होते हैं, बोले मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले कृष्ण जब गोकुल में बाल गोपाल रूप में प्रभु जन्म लेंगे, प्रभु की चरण स्पर्श से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतने में कंस भेजा तो वो त्रिणावर्त आ गया, देखा कृष्ण कहाँ पर, बोले बैलगाड़ी को नीचे। उसका तो शरीर थी नहीं, सोचा ये बैलगाड़ी को ऊपर सवार हो जाओ और धीरे 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 करके कृष्ण का दबा दो। इतने में कृष्ण अपना कोमल चरण को उन्होंने हिलाते हिलाते ऐसे ठोकर मारे, वो जो बैलगाड़ी थी ना वो सारी दूध दही मक्खन सबके सब हो गया। और वहीं पर दत्त अपना प्राण को त्याग दी। सारे ब्रजवासी जो कीर्तन कर रहे थे भागते भागते आए, भाई भैया ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे, आंधी तूफान है। लेकिन कृष्ण की सखा लोगों ने देखा था, ये कृष्ण का चरण स्पर्श से ही गाड़ी पलट गई थी। सखाओं ने तो बताए लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुई। अरे मैया ने कन्हैया को वहां से उठा करके ले गए, और कीर्तन हो रहे ना, कीर्तन को बीच में उन्होंने फिर कृष्ण को लेटा दी, और गोपियों ने फिर कीर्तन करना शुरू की। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सब हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बस। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल्दी हरे कृष्ण सब सब बैठ जाओ, अब कोई खड़े मत हो, कपड़ा बैठ जा बैठ। हरे कृष्ण फटाफट लाओ इनको, इनको के नाम इनको ब्रजवासी ब्रजवासी की चंद्र तंतु पाता है भंतर ये ठाक ठाक दे दो। वैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ अभी ध्यान देकर सुनो, हमारे यहाँ टीकाकार लोग कहते हैं ठाकुर जी ये लागो द्वारा हमें शिक्षा क्या दिया है। बोले ठाकुर जी शिक्षा दिए हैं, जैसे घर में उत्सव हो रहा था, लेकिन मैया ने किया कि कन्हैया को उत्सव से उन्होंने कन्या को अलग कर दिया। कहाँ लेटा दी, बोले बैलगाड़ी को नीचे। और घर का जितने दूध दही मक्खन को कहाँ पर रख दिया, उन्होंने बैलगाड़ी को ऊपर में रख लिया। इसलिए कभी कभी हम भी घर में यही करते हैं, ध्यान देखकर सुनो माताएं, कहते हम भी कभी कभी घर में यही करते हैं। घर में जैसे बच्चे का बर्थडे नहीं तो शादी कुछ मना रहे हैं, देखना सारा दुनिया को तो बुलाएंगे, और उल्टा पुल्टा म्यूजिक के ऊपर में, गंदी गंदी डिस्को डांस के ऊपर में बच्चे शराब पी करके शादी में बस नाचेंगे डिस्को डांस में, हैं सारा दुनिया के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ। जिसने तुमने सब कुछ दिया है, जिसकी कृपा से ही हम फलते फूलते हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं के लिए ही हम कुछ नहीं करेंगे। और सारा दुनिया को बुला करके पता नहीं कितना उल्टा बुल्टा काम करता है। इसलिए संतों का कहना है, कहते संतों को कहना है,
संतों का कहना है जैसे घर में कोई उत्सव हो रही है, जब घर में कोई उत्सव होती है सबसे पहले क्या करो, ठाकुर जी के लिए पहले उठाओ। जैसे खाना बन रहा है, जैसे घर में, जैसे सुंदर सुंदर घर में खाना बनती है, सबसे पहले क्या करो, ठाकुर के लिए कुछ उठाओ। और ठाकुर जी को तुलसी पत्ता दे करके ठाकुर जी को पहले कुछ भोग लगा, ठीक है ना। ठाकुर जी को भोग ला करके फिर क्या करो, फिर सबको खिलाओ। ठाकुर जी के खिलाए बगैर घर में कोई खाना नहीं खानी चाहिए। सबके ऊपर हाथ लगा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे घर में कोई उत्सव हो, उत्सव में सबसे पहले क्या करो, जैसे अपना लिए कोई कपड़ा खरीद करते हो, पहले अपना लिए कपड़ा नहीं, पहले क्या करो, ठाकुर जी के लिए कपड़ा खरीद करो। किसके लिए ठाकुर खरीद करेंगे, पहले अपना बेटे के लिए नहीं, अपना बेटी के लिए नहीं, पहले ठाकुर जी के लिए सबसे पहले लो। आप द्रौपदी का नाम सुने कि नहीं, एक बार भगवान की केवल अंगुल कट गया, इतने में द्रौपदी ने अपना साड़ी को फाड़ करके भगवान का हाथों में उन्होंने बैंडेज कर दी। भगवान इतने रीझ गए, बोले इतने कीमती साड़ी नहीं देखा, और सबके सामने साड़ी को फाड़ करके उन्होंने मेरे अंगुल में बैंडेज कर दी। प्रभु जी सोच रहे हैं कब मेरे को मौका मिले और हम इसकी ऋण उतारे। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की वस्त्र हरण कर रहा था, ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए और द्रौपदी के शरीर में उन्हें लपेट गए। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी, ना नारी बीच कोई साड़ी है। इसका मतलब है अगर भगवान के लिए इतनी सी करो ना, कल सुन रहे थे ना, सुदामा जी ठाकुर को 2 मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर ने क्या दिया, त्रिभुवन का राज दे दिया, है ना, त्रिभुवन का। इसलिए घर में कुछ कोई चीज बनता है, सबसे पहले दूसरों को मत खिलाओ, पहले क्या करो, भगवान को। भगवान घर में गोपाल है कि नहीं, कृष्णा नहीं तो राम होएंगे भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए कुछ निकालो, ठीक है ना। और घर में कोई उत्सव होना, देखो ये संत लोगों का कहना है, जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, जन्मतिथि, नहीं तुम्हारी शादी की सालग्रह बना रहे हो, अगर तुमने दुनिया को बुलाया, अगर उनको उल्टा पुल्टा खाना खिलाया, इतना बोतल तोड़वा दिया, बोतल तोड़ना है तो शराब पिलवा दिया, अगर उनको मांस खिलाया, बचाओ आप बताओ, जिसमें इतने पाप कर्म जिसके लिए किए हो उसमें कभी कल्याण होगी, कल्याण नहीं होगी। इसलिए संतों का कहना है खबरदार, कोई बच्चे का बर्थडे हो नहीं तो शादी की कुछ हो, अगर उल्टा पुल्टा उनको खिलाओ ना, कभी तुम्हारी कल्याण नहीं होने वाले। क्यों, तुमने इतने पाप कर्म किए हो, इतने बोतल तोड़वाए और इतने जानवर को तुमने खत्म कर दिया, मार दिया, तो तुम्हारी वो शादी व बच्चे का बर्थडे में बच्चे का कभी कल्याण नहीं होगा। क्यों, तुमने इतने पाप कर्म किए हो। इसलिए पाप कर्म मत करो, अच्छे तरह से खाना बनाओ, भगवान की भोग लगाओ, ठाकुर का कीर्तन हो, उल्टा पुल्टा डिस्को डांस, गंदी गंदी फिल्म के ऊपर में इसको द्वारा, ये हमारी रिवाज है क्या हिंदुओं का, जितने बड़े बूढ़ों को पूछ लो, हर घर घर में पहले कोई भी चीज हो माताएं बैठ करके कीर्तन करती थी, यही होता था ना घर में, कीर्तन होती थी, रामायण होती थी, क्योंकि कोई काम से पहले अगर प्रभु का नाम से करो तो वो काम तुम्हारी जरूर बढ़िया होगा, बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। क्यों, ठाकुर जी का नाम से मंगल भवन अमंगल हरि, ठीक है ना, यही काम करना, उल्टा पुल्टा काम नहीं करने का। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे।
कृष्ण अभी धीरे 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 कृष्ण बड़े हो रहे थे। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। जाओ तुम लोग खेलते रहो, मैं घर की काम करता हूँ। कृष्ण बलराम सोच रहे हैं जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आ पड़ती है, मैया हमको गोमूत्र और गोबर से स्नान कराती है। भैया ये गोमूत्र गोबर में है क्या चीज, क्यों इसी से हम स्नान कराती है? वही पर गया बंध हुए थे। कृष्ण बलराम सोचे आज हम दोनों भैया आज ये गोमूत्र गोबर से हम अपना भी शरीर को स्नान कराएंगे। दोनों भैया गए, जितने वहां गोबर था ना और जितना कीचड़ था गोमूत्र सबके उठाए अपना शरीर को पोत दिया पूरा। और दोनों भैया बैठे हुए, मैया सोची ये दुष्ट गए कहां। बोले कन्हुआ बलुआ तुम दोनों कहां हो? बोले मैया हम यहाँ हैं। बोले वहां क्या कर रहे हो? देखा सारा दोनों पूरा कीचड़ से सने हुए। बोले अभी अभी तुम दोनों को स्नान कराया और अभी भी सारे श्रृंगार गाड़ दिया। दोनों कान को पकड़ लिए हैं। भैया बोले क्यों रे, पूर्व जन्म में क्या तुम दोनों सुअर थे? सुअर कीचड़ में लोटपोट करते हैं, इतने में कन्हैया सर को ऐसे हिला रहे थे। बोले मैया पूर्व जन्म में मैं तो सुअर था, लेकिन तेरे को कैसे पता चला सुअर कब हुए? भगवान बराह अवतार लिए, बराह अवतार में मैंने हिरण्याक्ष को वध किया सत्य युग में, कि जो बराह अवतार सुअर का अवतार है। बोले मैया की बात कैसे पता चला? फिर मैया कृष्ण बलराम को अच्छे तरह से स्नान करके श्रृंगार कराया। आज ठाकुर की जो गोमूत्र और जो गोबर है ना, इसकी महिमा भगवान दुनिया को बताए। ये गोमूत्र अभी साइंटिस्ट लोग कितने तरह तरह का दवा निकालते हैं, ये गोमूत्र और गोबर से कितने तरह तरह का दवा निकालते हैं। इसलिए गोमूत्र और जो गोबर है ना, अगर कोई दो तीन गैया को पाल ले, आप लोग तो भैंस को पाल रहे हैं, अगर कोई गोबर को पाल लेना इसमें इतने उपकारी है। देखो हमारे मंदिर में एक बाबा है, उनका श्वास का बीमारी हो गई। कौन सा बीमारी हो गई थी? श्वास का बीमारी हो गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी तरह से वो बीमारी सही नहीं हुई। हमारे मंदिर में एक गौशाला है, वो बाबा ने वो गैया की सेवा कर रहे हैं। जब उन्होंने गैया की सेवा की ना, वो अपने आप गैया की सेवा करते करते कहते अपने आप उनकी सारी बीमारी अपने आप सही हो गई, जो दवा से नहीं हुई है, हैं? अगर कोई गैया की सेवा करती है ना, तुम्हारी शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बीमारी तुम्हारी शरीर में नहीं रहेगी। और गैया सेवा से लक्ष्मी बढ़ती है। घर में गौ माता के शरीर में कौन है? कहती है 33 करोड़ देवता ये गौ माता के शरीर में। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब ये गैया को सृष्टि की, 33 करोड़ देवता गैया की जो एक एक जो रोम है ना, उनका जो एक एक जो लोम नहीं वो एक एक देवता है, सारे 33 करोड़ देवता को उन्होंने स्थान दी। उसी समय लक्ष्मी और ये सरस्वती थी नहीं। अभी जब इनकी पता चला ब्रह्मा जी ने ऐसे एक प्राणी सृष्टि की है जिसमें 33 करोड़ देवता की निवास है, इतने में लक्ष्मी और सरस्वती आए। ब्रह्मा जी को बोले हमें भी कोई स्थान दो। बोले कोई स्थान नहीं, सारे स्थान में 33 करोड़ देवता बैठ गए, तुम्हारे दोनों को लिए कोई स्थान नहीं। बोले नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला, हमें कहीं ना कहीं स्थान दे दो। बोले दो स्थान तो बाकी है, लेकिन सबसे जो अपवित्र विष्टा और मूत्र केवल यही पर बाकी है। देखो ये सरस्वती लक्ष्मी बोले हमें वही दो स्थान दे दो। वहां पर लक्ष्मी और सरस्वती स्थान उनके विष्टा और मूत्र में। इसे भगवान भी जो पंचामित्र बनाया जाता है ना, देखना इससे गोमूत्र और गोबर को मिलाया जाता है, उसमें इतने मेडिसिन है, साइंटिस्टों ने बहुत बड़े बड़े मेडिसिन निकाले। इसलिए गैया सेवा से माँ लक्ष्मी की घर लक्ष्मी बैठती है। गैया की सेवा से गो माता की जय जय श्री राधे श्याम। अभी कृष्ण बलराम धीरे धीरे जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी। दूध पीते पीते
अभी मैया जसोदा बहुत डरी हुई है। बोले क्यों डरी हुई? बोले पता नहीं, मेरे लाला को पीछे ये राक्षस लोग हाथ धोकर पड़ गए, हमारे लाला तो इनको बिगाड़ नहीं। बड़ी दुखी थी। इन्हें मेरे कृष्ण दूध पीते पीते थोड़ी सी जम्भाई लिए, जम्भाई लिए तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दर्शन किया। मैया जसोदा डर गई, मैं ये क्या अलाई बलाई क्या देख रही हूँ। मैया जसोदा आंख बंद कर दी, पर आंख खोल कर देती है, बोले वही छोटी सी मुंह। बोले कृष्ण विराट रूप मुंह दिखाए, कारण बताए। बोले मैया तू सोच रहे हो ये दैत्य लोग मेरे पीछे पड़ गए मेरे को मार डालेंगे। नहीं मैया, मैं साधारण नहीं, ये जो अनंत विश्व ब्रह्मांड है ना, वो सबके सब मेरे अंदर, मैं दुनिया का मालिक हूँ। इसलिए मैया डरना नहीं। दूसरा कारण था, जो कृष्ण स्तन पान कर रहे थे, इतना स्तन, इतने स्तन पान कर रहे थे। अब देखना, छोटे बच्चे अगर ज्यादा दूध पी ले ना, पेट पतला हो जाता है। मैया डर रही थी, आज लाला इतना दूध पी रहा है, उसका पेट तो खराब नहीं हो जाएगी। इतने में कृष्ण मुंह खोल कर दिखाया। बोले मैया तेरे को लगता है मैं अकेला तेरे दूध पान कर रहा हूँ? नहीं मैया, देख ले, तेरे दूध से तो विश्व ब्रह्मांड पल रहे, दूध से विश्व ब्रह्मांड पल रहे हैं, क्योंकि तू माँ जसोदा है। इसलिए कहते जगत में जितने माताएं हैं, जितने गैया हैं, इनकी स्तन में दूध कहाँ से आती है? बोले मैया जसोदा की स्तन से ही आती है, उनकी स्तन से ही ये विश्व ब्रह्मांड पल रहे हैं। अभी कृष्ण बलराम जब और थोड़ी बड़े हुए, जैसे छोटे बच्चे होता है ना, जिसके मन में जो इच्छा हो वही टुल्लू बुल्लू जो बोले। अभी नंद जसोदा सोच रहे हैं लाला की कोई नाम करना हो जाए, पर उसी नाम से बच्चों को बुलाएंगे। लेकिन एक दिक्कत है, नंद बाबा तो सोच रहे लाला मेरो है, तो आपको तो पता ही ये लाला मेरो लाला है, इसलिए आप थोड़ी सी कृपा करके जाओ, जा करके मेरे लाला का नाम करण करके आओ, और ऐसे एक नाम रखियो जो मेरे नाम से जुड़ा हुआ। गर्गाचार्य जो इतने प्रसन्न हुए, भगवान का नाम करण करेंगे, अहो भाग्य है। देखना बच्चे का जब नाम करण करते हैं, लाला को गोद को पाने के लिए कहते यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। कहते ब्रह्मा इनकी तपस्या करते करते दर्शन की बात छोड़ दो, उनकी नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे भगवान है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यान में है। आज को भगवान को गोद मिलूंगा, प्रभु नाम करूंगा। गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न होकर के श्री नंद बाबा का घर में आए। नंद बाबा जब देखा, अहो भाग्य है, हमारे घर साधु आए हैं, हमारे घर में संत आए हैं, उनको आसन दे करके बैठा है, चरण धोए, चरणामृत लिया। कहते आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया है, आज मेरे जीवन मुक्ति मेरे को मिल गई। क्यों? जब किसी साधु का दर्शन हो घर में, जब संतों का चरण धूलि पड़े, वो घर पवित्र हो जाता है। कद जब घर में संतों का चरण धूलि नहीं पड़े, कद भैया वो घर पवित्र नहीं होता है। इसलिए देखो श्री नंद बाबा क्या कहते हैं, बोले महत विचरणम ऋणम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्सहाय भगवान अन्नथा कल्पते।
घर गृहस्थी है दिन रात जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जगाने के लिए हमें जगाने के लिए इसलिए वेद कहता है भैया उठो जगो बोले हम तो जगे हुए बोले नहीं तुम माया की नशे में सोए हुए हो जगे नहीं माया की निद्रा में तुम सो रहे हो हमें जाने के लिए आते हैं हमें जगाने के लिए आते हैं क्या जाने के लिए बोले तुम भगवान से बोल करके आया तो भजन करोगे कितना भजन कर रहे हो इसलिए हमें जगाने के लिए आते हैं। एक संत कहते थे रात को जब हम सोते हैं ना देखना ये मच्छर काटते हैं ना तो संत कह रहे थे भैया मच्छर क्यों काट रहे हैं तो संत कहते थे इसलिए मच्छर काट रहे हैं बल्कि जो मानव शरीर है ये बड़ा दुर्लभ शरीर है एक एक जो श्वास जा रहा है तो भैया करोड़ रुपया देने पर भी तुमको नहीं मिलेगा इसलिए मच्छर काटते उठो जगो कब तक सोते रहोगे बोलो हरे मच्छर हमें सोने नहीं देते बोले उठो बैठो भजन करो क्यों सो रहे हो इसलिए संत इसलिए श्री नंदबाबा बड़े प्रसन्न हो गए घर में आज संत आए हैं और नंदबाबा खुद बोल पड़े बोले बाबा जब आप कृपा करके घर में आए हो हमारे दोनों लाला उनका नामकरण करा दो नंदबाबा राजी हो गए बोले ठीक है इसलिए गर्गाचार्य राजी हो गए वो तो आए थे इसी काम लिए अभी कृष्ण बलराम दोनों को मैया जसोदा और श्री रोहिणी लेकर आए सर्वप्रथम बड़ा बेटा का नामकरण करते हैं बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमैया न सोई दिजनई बोले ये जो रोहिणी का जो बेटा है तब ये सबको ये आनंद देगा और सबका जो हृदय में ये रमण करता है इसलिए इनका नाम होगा श्री राम नाम होगा लेकिन इसका नाम होगा बलराम बोले बला धिक्कार बलम बीतो वो बड़ा ताकतवान होगा शरीर में बड़ा बल रहेगा हैं और सबको जो बल देता है किस चीज की सबको जो भगवान की भक्ति की बल देते हैं इसलिए बलदेव प्रभु ये गुरु तत्व है
जब तक इनकी कृपा नहीं हो जी प्रभु का भजन नहीं कर सकते, इसलिए इनका नाम हुआ बलराम हुआ। बोले इसका एक नाम होगा संकर्षण। बोले क्यों? बोले ये पहले देव की गर्भ में आए, जोग माया वहां से आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन की। अगर कभी जदुवंशियों में गोप वंश में अगर कभी झगड़ा हो जाए, ये दोनों को है दोनों को झगड़ा करने में नहीं दे, सबको मीमांसा करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। बोले श्री दाऊ भैया की अभी कृष्ण का नाम होगा। गर्गाचार्य ध्यान लगाए तो इनका ध्यान ही नहीं टूट रहा था। क्यों? बोले भैया अगर किसका एक दो पांच दस नाम हो ना, फिर तो कोई नाम दे दे, लेकिन ये दुनिया में जितना नाम तो इनका ही नाम है, फिर नाम कौन सा दूं? इतने श्री नंद बाबा उनका हाथ पकड़ कर हिलाए। बोले बाबा बताओ ना लाला का नाम क्या होगा? बोले आसन वर्णास्त्र जस्य गृह्णो तो अनुयुगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानी कृष्ण सामगत। बोले बाबा लाला है ना, ये साधारण नहीं, ये हर युग युग में ये आता है। ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में रक्त वर्ण धारण करके आया था, और जब कली युग होगा तुम्हारा बेटा श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में श्री नवद्वीप धाम में प्रचार जन्म ग्रहण करके संपूर्ण विश्व को हरि कीर्तन में भगवान की कीर्तन में सबको सराबर करेगा। हाँ, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे। बोले अभी हमारा ये जो बेटा है ना वो कृष्ण बन करके आए हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। उन्होंने इनकी बड़ी बड़ी महिमा गा रहे थे। बोले हर युग युग में ये जन्म लेते हैं। कृष्ण कहते हैं ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिरि भवति भारत। जब जब इसी युग में कोई अमंगल होता है भगवान अवतीर्ण होते हैं, और ये सत्य युग में ये पृथ्वी महाराज बन करके आए थे। कभी जगत में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, खेती नहीं है, उसी समय में तुम्हारे बेटा पृथ्वी रूप में फिर ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने खिलाया पिलाया, और उन्होंने ये पृथ्वी को शासन भी दिया है। इसलिए ये युग युग में आता है हरि अनंत हरि कथा अनंत। इनके अंत कथा भी जिनका था नहीं पाते, लेकिन वहां पर मैया जसोदा बैठी हुई थी। जसोदा सोच रही थी ये बाबा तो कोई काम की बात बताई गया है, तो बिना काम की बात बता रहे। हाँ ध्यान देकर सुनो, कहते माताओं का काम की बात क्या है? हर माताएं क्या सोचती हैं? जल्दी से जल्दी बेटा बड़ा हो जाए और जल्दी जल्दी घर में शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। हर माताएं यही सोचती हैं। बोले क्यों? बोले जब तक घर में बहू नहीं आ जाती है ना, माताओं को सारे घर का काम को ही करना पड़ता है। लेकिन घर में जब बहू आ जाए फिर क्या होता है? फिर बहू को ऊपर में सारे काम बहू को ऊपर दे देती है, फिर माताओं को फिर विश्राम मिलती है। इसलिए मैया जसोदा सोच रहे मैं तो बड़ी बूढ़ी हो गई, कब तक घर का काम करूंगी है? ये तो ये बताए लाला कब बड़ा होएगा, कब शादी हो जाएगा, घर में कब बहू आ जाएगी, और ये बहू घर का काम काज देख ले। अभी तो मैं बूढ़ी हो गई, अभी तो बैठी बैठी करके चाहता हूँ भगवान का भजन पूजा भक्ति करे है। मैया ये सोच रही थी, इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी हाँ श्री गर्गाचार्य जी एक श्लोक बोलते हैं। बोले बहुनी संति नामानी सुतस्य यतवात्मज। बोले हे श्री नंद बाबा तुम्हारा ये जो बेटा है ना बहुनी संति नामानी इसी अनेक नाम है, इनकी अनेक नाम है, इनके अनेक रूप है, इनके अनेक गुण है, हैं? उस बात बता रहे थे, लेकिन मैया जसोदा बड़ी सीधा थी, वो अपना मनमानी अर्थ लगा रही थी। बोले बहुनी संति नामानी, वो सोच रही थी शायद ये ज्योतिष जी कह रहे हैं तुम्हारा जो बेटा है ना इसका बहुनी संति नामानी, इसका बहुत सारे बहुएं होएगी हैं। सतमुच से कृष्ण जब वृंदावन में रहेंगे उनकी
सात करोड़ों गोपियों को साथ में प्रभुरास करेंगे। हर भगवान जब जाएंगे कहाँ जाएंगे भगवान जी, जब द्वारका जाएंगे तो 16,108 पटरानियों को साथ में उनकी शादी होती है। इसे उनके तो सचमुच की बहुत सारे पत्नी और बहुत नाम और बहुत गुण हैं। जब मैया जसोदा सीधी साधी अर्थ लगा रही थी मैया तो खुश हो गए, बल अभी ज्योतिष जी सही बात बताए, बहुत बहु होगी, बहुत है किसका रूप गोरी, कोई होगी सावरना वरना है, वो बड़े प्रसन्न हो गई और उन्होंने ज्योतिष को खूब दान दगा दिया। उन्होंने तो उन्होंने दान दक्षिणा प्रदान की और अपना लाला को आचार्य जी के चरण में ले दी, बोले बाबा लाला को आशीर्वाद दो हैं। बड़े प्रसन्न हुई, खूब दान दक्षिणा दी और श्री दुर्गाचार्य जी अपना जीवन को धन्य मानते हुए वहां से चले गए। मेरा भजन के नहीं बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हरि करो जाएगा।
मैया जसोदा जब कृष्ण को दूध पिलाती है और दही खिलाती है अभी गोपियों की मन में इच्छा है क्या हमारा घर में भी कन्हैया कभी आएगा, हम भी कृष्ण को गोद में बैठा करके उनको दूध दही मक्खन हम भी कभी खिलाएंगे। अभी हर गोपियों के मन में ये भावना, अभी इनकी इच्छा प्रभु जान करके एक दिन कृष्ण अपना ग्वाल बालों को बुलाए, बोले सखाओ हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल है? बोले हम मक्खन चोरी करेंगे। बोले चोरी गंदा, बोले थोड़ी रुपया पैसा, हम खाने का चीज चोरी करेंगे। खाने का चीज चोरी कर दो उसको
चोर नहीं बोलते, चोरी नहीं कहते। ए बच्चा उधर बैठो, इसको सामने बैठो। इसलिए अब अभी दूध दही मक्खन चोरी करेंगे, इनके मन में ये भावना। एक दिन कृष्ण मैया की नजर बचाते हुए कृष्ण मक्खन चोरी, महाराज जी का लेना है। नंद बाबा का घर ही जवाहरातों से बनी हुई है। हठात कृष्ण का परछाई मणि स्तंभ के ऊपर पड़ा। कृष्ण अपना परछाई को देख करके सोचे, शायद हमारे घर में मेरे जैसे शायद और कोई एक चोर आकर के चोरी कर रहा है और इसने मेरे को देख लिया। अब कृष्ण सोच रहे हैं इसको साथ में हम दोस्ती कर लेते हैं। बोले दोस्ती कैसे करे? बोले कुछ खिलाओ और उनका हाथ से कुछ खाओ, फिर आप दोस्त बन जाओगे। इसलिए कल के में व्यवहार करेंगे ठाकुर करवाने। इसलिए कृष्ण बोले, भैया तू भी मक्खन खा, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। लेकिन परछाई वही बात बताया, तू खा मैं खाता हूँ, लेकिन मैया को नहीं बोलना। इतने कृष्ण बोले, बोले तू मेरे घर में आकर के मेरे को उपदेश दे रहे हो। परछाई भी वही बोला, मैया दूसरे घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो आज कोई है नहीं। फिर ये कृष्ण किससे बात किससे कर रहा है? मैया चुपकी से धीरे धीरे आकर के देखा, कृष्ण अपना परछाई को साथ में ही बात कर रहे थे। मैया देखा कितने भोले वाले देखो, बोले लाला तू किसे लड़ रहे हो? बोले कृष्ण देखा मैया देख लिया, मैया देख लिया। कृष्ण सोच रहे थे अपना घर में चोरी करके पहले देख ले मैं पकड़ में आता हूँ हुए कि नहीं। बोले मैया देख लिया। इतने में कृष्ण उदुखलों के ऊपर में खड़े होकर चोरी कर रहे थे। कृष्ण छलांग लगाए और जो पिलर था ना मणि पिलर, उसको ऐसे पकड़ लिए। बोले मैया मैया हमारा घर में चोर घुस आयो है। बोले लाला कहाँ पर चोर घुस आयो? बोले ये खंबे को अंदर में, अपना परछाई को बोल रहे। बोले ये बताओ घर में तो चोर आ गए, लेकिन तेरे हाथों में मक्खन कहाँ से आ गया? बोले भैया ये बात सही है। बोले मैया मेरे हाथों में तुमने कंगड़ पहना दी थी ना, मणि की गर्म हो गया था, उसको मक्खन का मटकी में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले तो हाथ को तो ठंडा कर रहा था, लेकिन तेरे मुंह में मक्खन कहाँ से आ गया? बोले भैया ये भी सही। बोले भैया मुंह को ऊपर में चिट्टी चल रहा था, चिट्टी को हटाने के लिए गए तो मुंह में मक्खन लग गया। मैया बोले कन्हैया तुम मेरे अकेले लाला हो, जो कुछ करती हूँ तेरे लिए करती हूँ, पर ये चोरी करने का क्या जरूरत है? कृष्ण देखा जीवन में पहला बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़ा जाओ। कृष्ण ऐसे एक दिन एक गोपी घर में चोरी करने के लिए गए मक्खन। जब मक्खन चोरी कर रहे थे, वो गोपी पहले से ही दरवाजा के कोने में चुप करके बैठी हुई थी। बोले आज कृष्ण को पकड़ कर घर में बांधूंगी। कृष्ण जब मक्खन खा लिए, गोपी पकड़ लिए, बोले कहाँ जाओगे? चल तेरे को घर में बांध करके रखूंगी। कृष्ण बोले खंभे के ऊपर हाथ रख। कृष्ण हाथ रखे, वो अपना जो चोटी है, हाँ जो फीता थी रिबन थी उसको निकाले। जब कृष्ण को बांधने के लिए गए, भगवान का हाथ तो मक्खन से भी कोमल है और भगवान को बांध नहीं सके, वो खिसक जाए। कृष्ण कहते गोपी तू जिंदगी में कभी बंधी गई कि नहीं? बोले क्यों कन्हैया तेरे को बांधना आता है? और क्या? बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले खंभे पर हाथ रख, तेरे को मैं सिखाता हूँ। इतने गोपी एक लपेट, कृष्ण एक लपेट, दो लपेट, एक गांठ, दो गांठ और गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दिए। गोपी बोली कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं किसी को खोलना सिखा ही नहीं, जिंदगी भर में सबको बांध कर रखा प्रेम में। इतने में कृष्ण 9, 2, 11 कृष्ण हो गए। ऐसे ही एक गोपी रोज रोज शिकायत करे। मैया कहती है मैं नहीं मानती हूँ, कभी तुम रंगे हाथों से पकड़ा करके दिखा दो। बोले ठीक है। कृष्ण जब गए मक्खन चोरी करने के लिए, पकड़ लिए कृष्ण को, बोले चल मैया के पास में। मैया मानती नहीं,
कृष्ण बोले गोपी आज छोड़ दे, कल से तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, तेरे पाम पड़ता हूँ, तेरे बिछुआ की, तेरे खसम की, तेरे नंद की, तेरी सांस की छोड़ दे। बोले नहीं, चलो मैया को पास में। अभी सीधा पकड़ करके मैया को पास में ले आई। इतने में देखा घर को सामने जेठ बैठे हुए। पहले जेठ को सब पर्दा करते थे, अभी तो आप भी पर्दा करते हो, है ना, पर्दा करते जेठ को सबके सब पर्दा करते हैं। अभी देखा नंदा बाबा जेठ लगते हैं और जेठ को देखकर उन्होंने पर्दा कर ली। बोले ये स्त्री स्त्रियों की बात है, कृष्ण ऊपर में कपड़े से ढाक ली। कृष्ण कौन है? ये भगवान है। बोले भगवान का मतलब क्या है? बोले जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं। जब कृष्ण को ढक दिया ना, कृष्ण झट उसका बेटा बन गए, उसको बेटे बन गए। और कृष्ण को दूसरे रास्ता से, पीछे रास्ता से लेकर के आई और बोली मैया जसोदे। मैया भी कहा बात है? बोले तू मानती नहीं, तेरे लाला मेरे घर में मखन चोरी करता है। उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को पलंग के ऊपर में थपथप लगा करके सुला रही थी। मैया बोली भैया मेरे लाला तो घर में सो रहा है, ये किसको मेरे पकड़ करके लाई? मैया गल करके आई, देखा अपना बेटे को पकड़ करके लाई। मैया बोली कहा बात? बोले देख ले तेरे लाला को मैं बांध करके लाई हूँ रंगे हाथों से। मैया बोली लगता है भांजी बोला तुमने ज्यादा खा ली, अरे मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना लाला को पकड़ के लाई। बोले अपना लाला कैसे? अपना पर्दा। बोली इन्हें में जब कृष्ण को ऊपर से कपड़ा खोलती ना, देखा अपना बच्चा है और कृष्ण अंदर में सो रहे थे। अभी कृष्ण आंख बलते बलते बाहर निकले। इतने में कृष्ण ने देखा भैया ये गोपी कितने झूठ बोलती हैं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ और ये झूठ मूठ का मेरे नाम पर बदनामी कराती हैं। अगर ये झूठ बोलती है ना, मैं सचमुच से इसके घर में रोज जाऊंगा। इतने में मैया जसोदा गोपी को बड़ी डांट लगाई, बोला अपना बेटे को पकड़ के लाई और मेरे नाम, मेरे बेटा का नाम पर नाली शिकायत कर रही हो, खबरदार कभी ऐसे करना नहीं। वो गोपी इतना शर्मिंदा हो गई। जब वापस जा रही थी ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए। बोले कहा बात है गोपी, मैंने कितने तेरे पाम पड़ा, तेरे सास की, तेरी खसम की, तेरे ननंद की, तुमने सुना नहीं? देखा तेरे बेटे को आज मैंने चोर बना दिया, कभी भविष्य में पकड़ करके लाओगे ना, तेरे खसम को चोर बना दूंगा। बोले कन्हैया मैं हार गया, तू जीत गए हो। ऐसे ही कृष्ण रोज रोज मखन चोरी करे। ऐसे ही एक गोपी रोज बोले कि तो माँ मानती नहीं, बोले रंगे हाथ इसे पकड़ा दो। वो गोपी गई थी यमुना में पानी भरने के लिए और आ करके देखा कृष्ण उसको घर में बैठ कर मखन खा रहे हैं। बोले इसको ना ताला बंद करके चाबी काठी लेकर के जाती हूँ, मैया को बुला करके दिखाऊं, क्योंकि पता नहीं एक बार गया तो बदल गया कैसे। बोले मैया को बुला करके मैं दिखाऊंगी। इतने में दरवाजा बंद करके ताला लगा कर चाबी काठी लेकर के मैया को घर में गए। देखा कृष्ण अपना घर में कुछ नटखट कर रहा था। मैया जसोदा कृष्ण को खुद उखल में बांध करके रखा। गोपी बोली ये क्या, उसको तो घर में मैंने बंद करके आया, चाबी काठी लेकर घर में बंधा कैसे पड़ा हुआ? क्या ब्रज में दो दो कृष्ण हो गए हैं? ब्रज में क्या दो दो कृष्ण हो गए? ये आश्चर्य बात उन्होंने और एक गोपी की घर में बनाने के लिए गई। मैं दो दो, दो कृष्ण देख रही हूँ। जब उन्हें दूसरे घर में गए देखा, उसको बच्चे को साथ में कृष्ण घर में खेल रही थी। बोली क्या, एक कृष्ण को घर में बंद करके आया, दूसरे कृष्ण मैया मखन खिला रही है और तीसरे कृष्ण यहाँ खेल रहा है कैसे? उन्होंने चौथे गोपी को घर में गई बताने के लिए, देखा वो गोपी कृष्ण को गोद में बैठा कर मखन खिला रही है। अभी वो जिस घर में जा रही थी उसी घर में कृष्ण के रूप को देख रही थी, अलग अलग लीला करते हुए। इतने में वो गोपी तो वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसकी होश आई, कृष्ण कहते हैं गोपी तू ये मत समझो मैं केवल तेरे घर में ही आता हूँ, नहीं, ये हर गोपियों के घर में मैं रोज रोज ऐसे लीला करता हूँ, क्योंकि गोपियां मेरे को बड़े प्रेम से बुलाती है। बोले आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया जाम, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी
करता हूँ। एक दिन कृष्ण को मैया बोली, बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा गड़बड़ी, तेरी शादी नहीं होगी। बोले मैया शादी नहीं होगी, हम जो कुछ करते हैं ना शादी के लिए। दिखाई बुढ़ाई क्यों कर रहे हो? बढ़िया शादी हो जाए। नौकरी चाकरी क्यों कर रहे हो? शादी हो जाए। घर छोड़कर विदेश में क्यों बैठे हो? शादी हो जाए। घर मकान क्यों बनाते हो? फिर ना सारे काम शादी के लिए करते हैं। बोले सारा दुनिया शादी के लिए पागल बनते हैं और मैया कहती है तेरी शादी नहीं हुई। कृष्ण तो बड़े चिंता में पड़ गए। हैं कृष्ण बोले मैया शादी क्यों नहीं होगी? बोले बताओ पूरा ब्रज में हला है गयो, तो घर घर में मक्खन चोरी करते हो। बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगी? लगते तो कुंवर का कुंवर रह जाओगे, तेरी शादी वादी नहीं होगी। कृष्ण सोचा मैया को ऐसे एग्जाम्पल दो ना, मैया को विश्वास हो जाए मैं मखनी चोरी की। फिर कृष्ण क्या उन्होंने एग्जाम्पल दिए देखो। बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिए। बोले मैया ये बताओ मैंने मक्खन कब चोरी की? बोले भोर बयो गई अनको पाछे मधुबन मोहि बटायो, और चार प्रहर बंसी बट भटको सांझ पड़े घर आयो। सांझ पड़े घर आयो कि? बोले हाँ। बोले दिन भर गैया चराया, शाम को घर में आया, और रात भर गोद में सोया कि नहीं? बोले हाँ। बोले बताओ फिर मैंने मक्खन चोरी की? बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले भैया ये सखा लोग तो मक्खन खाते हैं, बोले जो जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा देते हैं, मेरे को चोरी बनाते हैं। तो भैया मैं बालक बही अनको छोटो, मैं इतने छोटो से बालक और छीके कहाँ देखते हैं छीके के ऊपर नहीं। बता मेरे हाथ कैसे पहुंचा वहां, हाथ कैसे पहुंचा मैंने कहे? बोलते भैया लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, क्योंकि सारा दुनिया मेरे को मक्खन चोर रहते हैं और तू भी चोर बोलती हो। लगता है मेरे को किसी ने जन्म दे करके फेंक करके चला गया था और तुमने वहां से उठा कर लाए और मेरे को पालन कर रही हो। इतना बोलते ही फिर तो मैया के हृदय पानी पानी हो गया। मैया कृष्ण को फिर गोद में भर लेती। बोले लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की। फिर कृष्ण बदला देते है। बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया
मक्खन चोरी लीला की एक बड़ा सुंदर बात सुनाई। ये मक्खन चोरी का मतलब क्या है? घर में कौन कौन मक्खन बनाते हो? हाँ तो घर में कौन कौन मक्खन बनाते हो? कौन कौन घर में? किसी घर में भैंस गई आई? किसी किस घर में? सब घर में। आप ध्यान देकर सुनो, इसका मतलब क्या है? ये मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या है? इसका नाम है मक्खन। कहते मख और न, ये मख मतलब होता है क्रोध, न मतलब नहीं। भगवान इस चीज की चोरी करते हैं, बोले जहां जिस हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य नहीं, ठाकुर जी उसी हृदय में चोरी करते हैं। किसकी हृदय में ये काम क्रोध नहीं? बोले संतों के हृदय में। बोले संतों में सबसे बड़े कौन है? बोले ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां, ये सबसे बड़े संत हैं। इनके जैसे संत जगत में कोई नहीं। उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण की एक धूप वंदना करते हैं, उद्धव जी। ब्रह्मा भी जिनकी चरण धूलि पाने के लिए तपस्या करते हैं। शंकर भी स्वयं गोपीश्वर बन करके प्रभु का रास दर्शन करने के लिए आते हैं, शंकर जैसे व्यक्ति। इसलिए इनके हृदय में काम क्रोध नहीं। इसलिए भगवान मक्खन चोरी करने नहीं, भक्तों का हृदय को चोरी करने के लिए, उनकी दिल को चोरी करने जाते हैं। तो मक्खन कैसे बनता है? पहले दूध लाओ और दूध को पहले गर्म करो, पहले गर्म करना पड़ता है। ध्यान देकर सुनो माता है, बैठ कर गप्पे मत मारो। हे हरे कृष्णा, पहले बताया था ना, जिनकी कथा सुनने की इच्छा है, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, जिसको जानते हो ना उसके से अलग बैठ जाओ, फिर कथा सुनेंगे, नहीं तो गप्पे मारोगे। यहाँ पर घर का सारे काम काज छोड़कर कथा सुनने के लिए आए और यहाँ बैठ कर गप्पे मारने लग गए। फिर आने का मतलब क्या गया? सब चुपचाप बैठो, कथा सुनो। हाँ, ध्यान देकर सुनो, मक्खन कैसे बनती है? अरे मक्खन का मतलब क्या? पहले दूध को गर्म करो। बोले दूध गर्म करना मतलब, बोले मतलब है जब हमारे हृदय में भगवान को पाने की उत्कंठा आ लगे, भगवान कब मिलेंगे, ठाकुर जी हमें कब मिलेंगे, ठाकुर जी हमें कब मिलेंगे, यही गर्म है, हैं? फिर गर्म हो गया, फिर क्या करते हो? उसमें जमन डालते हो, उसमें जमन डालते हो। अगर जम ज्यादा हो गया ना, देखना खट्टा हो जाएगा, फिर वो मक्खन हाँ दही ज्यादा खट्टा हो जाएगी। इसलिए जमन थोड़ी सी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, उसमें जमन थोड़ी सी होनी चाहिए। बोले भैया जमन मतलब क्या? बोले जमन मतलब है जब भगवत प्राप्ति की हमारी मन में उत्कंठा जगे, फिर भगवत इच्छा से हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। सदगुरु से जो हम मंत्र ग्रहण करते हैं, जैसे कृष्ण राम राधे श्याम, जो मंत्र जब करते हैं, जो भगवान के नाम को ग्रहण करते हैं, यही हो गया यमन। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु गुरु भवन जी रही न कोई, जो ब्रिंच शंकर सम होई। हाँ, अगर कोई आ रही गुरु गुरु की क्या जरूरत है, अपने आप तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर जीवन में सदगुरु नहीं, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो छोटी कथा सुनो, एक समय एक संत के घर में खरी कथा चल रही थी, और उसी घर में एक पिंजरा में एक तोता था। वो संत कह रहे थे, बोले भैया जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं, वो भव समुद्र से पार हो जाता है। क्या हो जाता है? भव समुद्र बंधन से पार होकर भगवान के पास में चले जाएगा। वो जो तोता था ना पिंजरा में, बोले नहीं नहीं नहीं। बोले ये क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं। बोले क्या बात भैया, तू नहीं नहीं कहते हो कैसे? बोले आप कह रहे ना भगवान का नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाते। बोले हाँ। बोले तू नहीं नहीं क्यों कहते हो? बोले आप मेरे को देख लो, मैं एक छोटा पिंजरा में रहता हूँ, मैं कोई भी घर में आता है ना, मैं राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलता रहता हूँ। इसका जो घर का मालिक भी ये राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ। अरे छोटा सा पिंजरा से अब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई, आप कहते तो भव बंधन से मुक्ति हो जाएगी, ये झूठ बात है। आप मेरे को देख लो ना, परख लो मेरे को। ओ, जो संत तो चक्कर में पड़ गया। बोले ये बात सही कहता है, इतने में आश्रम में आए
अब ध्यान देकर सुना। फिर उन्होंने अपना गुरु जी को ये बात बताई, बोले गुरु जी मैं वहां कथा सुना रहा था, मैंने कहा अगर ठाकुर जी का नाम लेते हैं ये भव बंधन से जीव मुक्त होकर के भगवान के पास में चले जाते हैं। उनके घर में एक तोता था, वो तोता ने बोले नहीं 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 बोला। मैंने कहा भैया तू नहीं नहीं क्यों कहते हो? उसने कहा देखो ये छोटा सा पिंजरा से दिन भर राम राम राधे राधे बोलता हूँ, ये छोटा सा पिंजरा से भी मेरी मुक्ति नहीं है, तू कहते भव सागर से पार हो जाएगा, मेरे को विश्वास नहीं। गुरु जी ने कहा चलो मैं तेरे साथ में चलता हूँ, बोले जाओ तुम वहां जाकर कथा करो। तब जाकर फिर उन्होंने कथा की, भगवान का नाम लेता है भव बंधन से मुक्ति हो जाती है। फिर वो जो तोता वही बात बताया, नहीं नहीं नहीं। गुरु जी ने कहा भैया तू नहीं नहीं क्यों कहते? बोला मेरे को देख लो ना, ये छोटा सा पिंजरा से मुक्ति नहीं हुई। बोले देख बेटा इसलिए तेरे को ये पिंजरा से मुक्ति नहीं हुई, तू जो राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते हो ना, तेरे को गुरु जी से नहीं मिला है ये नाम, तेरे को गुरु जी से मिली नहीं है, तो राम राम बोलने पर मुक्ति नहीं होती है। इतने में उनको गुरु जी उसको कान में कुछ मंत्र दिया, तोते को कान में कुछ मंत्र पढ़ दिया। जब मंत्र पढ़ दिया, अभी संत कथा की कथा जब समाप्त हो गई, इतने में वो तोता ने अपना शरीर को त्याग दिया। लोग तो बड़े आश्चर्य हो गए, देखो ये तोता कथा सुनते सुनते ये तोता भगवान की धाम को चला गया, प्राण त्याग दी। ये भैया ये तोता को तो मुक्ति मिली गई, चलो ये तोता की हम आरती निकाले। अभी तोते के लिए आरती निकाले, बड़े सुंदर आरती सजवाए, सुंदर फूलों की माला चढ़वाए और कंधे पर लेकर के राम नाम सत्य करते करते ले जा रहे थे। जब उसको आरती में बैठाया, गले में माला डाला ना, इतने में वो तोता फर कर उड़ गया। जब उड़ गया उसका गुरु जी बोले क्यों तोता, गुरु जी से मंत्र लेने से भव बंधन से मुक्ति मिलती नहीं कि नहीं? बोले हाँ मुक्ति तभी मिलती है जब ये नाम श्री सद्गुरु से ग्रहण करें, क्योंकि पहले में जो ग्रहण किया था मैंने सद्गुरु से नहीं लिया। मतलब क्या है, वो तोता को उन्होंने मंत्र पढ़ाया, देखो अगर ये पिंजरा से मुक्ति पाना चाहता ना, ये बहाना बना मरने का, ये बहाना मरने का बहाना बनाओ। जब तेरी आरती से आएगा ना, फिर फर नहीं कर उड़ जाओ, फर करके उड़ जाओ। इसलिए कभी जो जमन डालना मतलब होता है, गुरु जी से जब भगवत मंत्र ग्रहण करते हैं। देखो हमारे एक बहुत बड़े संत हुए हमारी संप्रदाय में, ये चैतन्य महाप्रभु, ध्यान देकर सुनो, हम ये गुरु जी से ही मंत्र क्यों ले, अपनी आप पुस्तक क्यों नहीं पढ़ ले, उसमें भी तो प्रभु का नाम है। ध्यान देकर सुनो, वो बहुत अच्छी बात बताए उन्होंने, उदाहरण दिया। ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जिस पेड़ का बीज अगर आप डायरेक्ट पेड़ से लो हो तो ना, वो वृक्ष नहीं होगा, वो वृक्ष नहीं होगा। बोले कौन सा ऐसे वृक्ष है बता सकते हो? जिस पेड़ का डायरेक्ट बीज लेकर लगा ना, वो वृक्ष नहीं होगी। बता सकते हो कौन सा ऐसा पेड़ है? कौन बोलेगा हाथ उठा? अब नहीं बोल पाओगे। विशेष करके दो वृक्ष देखना, एक पीपल का पेड़ और एक बरगद का पेड़। ये पेड़ का बीज कब होता है वृक्ष? जब इसका बीज कोई चिड़िया खाए। ए बच्चे लो, कोई खेलना नहीं, चुपचाप बैठो, कोई नहीं खेलना यहाँ पर, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको बाहर निकाल दो, बच्चे बैठो वहां चुपचाप। जैसे बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, जब इसका बीज कोई चिड़िया खा ले और वो बीज किसी चिड़िया के पेड़ में जाए, हैं? जब वो बीज करता है, देखना उसी से ही वृक्ष होगा। आप कभी भी पीपल पेड़ को नीचे पीपल का पेड़ नहीं देखोगे, आप कभी भी बरगद का पेड़ को नीचे बरगद का पेड़ नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे? किसी पेड़ को ऊपर में, किसी छत को ऊपर में, तब देखोगे। एक पेड़ होने के लिए तीन चीज जरूरत है, एक मिट्टी, एक वायु, एक पानी। ये तीन चीज वो पेड़ होगा। लेकिन आप आश्चर्य बात देखना, किसी वृक्ष को ऊपर में, किसी छत को ऊपर में, जहां पर कोई मिट्टी है ही नहीं, मिट्टी है ही नहीं, पानी नहीं, आप देखना वहां फल का पेड़ बरगद का वृक्ष हो जाता है। और इतने जोर जबरदस्ती होता है, वो एकदम छत को फाड़ देता है। आप उसको तोड़ दो फिर दोबारा हो जाएगा, है ना, फाड़ देता है। बोले ऐसे क्यों हुई? बोले जब वो बीज किसी चिड़िया को पेड़ में जाती है
वो बीज में इतने शक्ति आ जाती है, इतने शक्ति आ जाती है, बगैर मिट्टी के भी वहां वृक्ष हो जाती है। इसका मतलब है, देखो यही चीज को समझो, वो संत कहते हैं ये भगवत नाम, ठाकुर जी का जो नाम है, ये जब किसी संतों के हृदय में जाए, जैसे श्री वाल्मीकि जी नाम जानते हो, वाल्मीकि का नाम सुने कि नहीं, पहले ये दशरथनगर था, दशरथनगर था, इतना बड़ा पापी था, ब्राह्मणों को मार मार करके जनेऊ से कुआ भर गया था, इतना बड़ा पापी। जब नारद जी से मिले, बोले बोलो राम राम, उसको मुंह से राम ही नहीं निकला, इतना बड़ा पापी था। बोले तू बोल मरा मरा, मारता था ना, बोले मरा मरा, मैं मरा मैं तो बोल सकता हूँ, इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुभाई, विचार करह सुमन मन माही। भगवान का नाम उल्टा नाम किससे ग्रहण किया, नारद से, किससे ग्रहण किया था, नारद से ग्रहण किया। एक दिन दशरथनगर वाल्मीकि बन गया है। यहाँ शिक्षा देते हैं, जब हम किसी संतों से भगवत नाम को ग्रहण करते हैं, जैसे उसके ऊपर में कोई मिट्टी नहीं तब भी वहां पर वृक्ष जाती है, इसका मतलब जब संतों की कृपा हो जाए ना, इसलिए कहते बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। इसलिए जब संतों से ही भगवत नाम ग्रहण करेंगे, है तो हमारी हृदय में शुष्क हृदय होने पर भी, हृदय में कोई भक्ति नहीं, लेकिन अगर संतों का संग करेंगे, उनसे भगवत नाम ले, तो एक दिन ये नाम हमें भगवत प्राप्ति करा देगा, एक दिन ये नाम हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लाभ पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिया। इसलिए यहाँ पर चमन डालना मतलब क्या, उसने गुरुदेव से भगवत नाम लेना, ठाकुर जी का नाम लेना। अभी दही जम गई, फिर दही जम गया तो क्या करना, फिर उसको मंथन कर, ध्यान देकर सब सुनो, उसको मंथन करना। बोले मंथन करना मतलब क्या है, बोले गुरु जी से तो माला ले लिया, हरि नाम ले लिया, अगर माला अगर जहां था लटक रहा है, माला से कोई गुरु जी से तो हरि नाम ले लिया, माला ले लिया है, लेकिन माला जहां था लटक रहा है, माला से कोई हाथ नहीं दिया, फिर क्या भगवान को पालोगे। एक उदाहरण दिया, जैसे आपको बम्बे जाना, आपने एक टिकट बनाया, अगर ये टिकट को अगर पॉकेट में रख लोगे, क्या बम्बे पहुंच जाएंगे। आपको जाना पड़ा रेलवे स्टेशन में, अपना कोच देख करके, नंबर देख करके गाड़ी में बैठना पड़ेगा, फिर गाड़ी क्या करके आपको ले जाएगी बम्बे, जाना पड़ेगा ना। उसी तरह गुरु जी से हरि नाम ले लिया और ले करके माला बस वहीं पर लटक रहा है, माला से कोई मतलब नहीं। देखो ये माला लेना मतलब होता है गुरु जी से भगवान से क्या मिला, ये माला नहीं, कहते ना कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पाया है। भगवान के नाम से ही जीव की कल्याण होता है। ए बच्चे सामने चुपचाप बैठना, यहाँ पर ए बच्चों चुपचाप बैठे तो पीछे जाओ, यहाँ चुपचाप बैठे। इसलिए गुरु जी से माला लेना मतलब होता है माला नहीं, हरि से बड़ा हरि का नाम, ध्यान देकर सुनो, भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में कलयुग में ठाकुर जी आए हैं, जो नाम लिया है उसको क्या करनी चाहिए, नियम करके नाम को हमें जप करनी चाहिए, सवेरे कम से कम नहा धो के थोड़ी समय ठाकुर को दो, थोड़ी समय क्या करो भगवान को, थोड़ी समय भगवान के लिए दो। क्या भगवान के लिए 10-20 मिनट नहीं दे सकते, सवेरे बैठ करके दे सकते कि नहीं दे सकते हैं। देखो गुरु जी कहते थे जैसे ये लाठी जलती, फ्यान चलती है, इसका बिल हम भरते कि नहीं बताओ, बिल भरते है ना। अगर अपने घर का बिल 2-3 महीना अगर नहीं दिया फिर क्या होगा, सरकार तरफ जाएगा लाइन काट कर चली जाएगी। जब इसी का बिल का तुम बिल भर रहे हो, लेकिन दिन में इतने बड़े लाइट दिया, जितने हमें ये हवा पानी दे रहा है, अगर 5 मिनट ये हवा बंद हो जाए ना, हमारे सब हवा बंद हो जाएगी, हमारे सारे हवा बंद हो जाएगी। अगर कोई 100 रुपया दे ना, सारा जीवन उसको ऋणी बनते हैं, लेकिन जिसने ये दुनिया जीवन, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं। सारा दुनिया के लिए तो हम कुछ कर रहे हैं, सारा दुनिया के लिए, बीबी के लिए, बच्चे के लिए, पति के लिए, दुनिया तुम्हें कुछ देगा,
कुछ भी देने वाले नहीं तुम्हें, सारा जीवन किसकी सेवा करते रहो, सारा जीवन। एक दिन कोई त्रुटि भूल हो जाए ना, झट बोलेगा तू मेरे लिए क्या किया, एकदम झट बोलेगा तू मेरे लिए क्या किया, एकदम झट। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, उनके लिए इतना करो ना वो हमारे लिए इतना करेंगे, इतना उनके लिए वो इतना करेंगे हमारे लिए। सुदामा दो चिड़वा दिया था गुरु, त्रिभुवन का राज्य को दे दिया, तो उनके लिए कोई समय नहीं। पहले उनके लिए समय निकालो, पहले उन्हीं के लिए समय निकालो, दुनिया के लिए समय निकालो, क्योंकि वही देने वाले सब कुछ है। और कल हम चार बहुओं की कथा सुना रहा था ना, किसको याद बताओ तो, चार बहुओं की किसको याद है कथा, कौन सुना सकता है कथा याद है, खड़े हो जाओ तो बोलो क्या मैंने सुनाया था। माइक ऐसे दिख रहा है, ए माइक वाले कहां गया, माइक लाओ, माइक दे दो, माइक वाले दे दो, हां ये माइक ले लो, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन हरि लाल माइक को ठीक कर देखो। और एक छोटी सी कथा सुनो, क्यों हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ध्यान देकर सुनो। कोई एक व्यक्ति खूब अरब खरब बदी था, खूब पैसा वाला, अभी उसकी हार्ट अटैक तो हो गया, अभी उसको भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में, उसका हार्ट की जब ऑपरेशन हुई उसका बिल बन गया 4 लाख रुपया। कितना रुपया बना? 4 लाख। 4 लाख रुपया बिल बन गई, डॉक्टर ने उसको बिल पकड़वा दिया। अभी वो देख करके तो रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर कहता भैया तू रो रहे क्यों, तेरे पास में पैसा की कमी नहीं, अच्छे तरह से तेरी ऑपरेशन हो गई, खुश होनी चाहिए, तेरे को ज्यादा पैसा लग रहा है ना, 1 लाख रुपया मैं कम कर देता हूँ, 3 लाख रुपया देना। फिर रोना शुरू कर दिया, बोले भैया फिर क्यों रो रहे हो, 1 लाख रुपया तेरे कम कर दिया ना, रो। देखो क्या बात कहता है, कितने कीमती बात कह रहा है। बोले मैं पैसा के लिए नहीं रो रहा हूँ। बोले फिर क्यों रो रहे हो, बोले मेरी उम्र हो गई 60 साल की, जन्म से लेकर के अभी तक जिसने ये हृदय को चला रहा था अभी तक उसने 1 रुपया भी बिल नहीं भेजा, लेकिन तुमने 1 घंटा ऑपरेशन की तो कितना रुपया बिल बनाया, 4 लाख। 4 लाख अगर वो अगर मेरे को बिल भेजना, जिसने ये जीवन दिया, जिसने ये हृदय को चला रहा है, अगर वो मुझे को बिल भेज दे मैं तो कंगाल बन जाऊंगा। समझ गए कि नहीं ये बात को, समझ गए हो? इसलिए हम उसके लिए, इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु दही ताही बिसराई कैसे नमक हराम, कहते तुम सब नमक हराम हो। जिसने तुमको ये मानव शरीर दिया है 84 लाख जन्म के बाद में, और तुमने उसको ही भूल गया, तुमने जो काम करना चाहिए वही काम नहीं और सारे काम कर रहे हो। क्या तेरे माइक ठीक नहीं होगा ना, ए सारे गड़बड़ी माइक लेके, उसको तो माइक कल तन गया था गुरुजी, वो लीडिया नहीं चल रहा है। हाँ हरे कृष्ण, जल्दी जल्दी मोड़े तन ही ठीक हरे गड़बड़ राधा राधा आई गवा
आज हम भगवान को प्रणाम करते हुए मंचासीन संत समाज को अपार हर्ष के साथ नमन करते हैं और यहाँ पर उपस्थित भक्त वृंद को चरण छोड़कर प्रणाम करते हैं। महाराज जी ने जैसा कल हम कहानी सुनाई, साक्षात हम लोग संसार में देख रहे हैं कि एक राजा की चार पत्नियां थी और जो पहली पत्नी थी, राजा बहुत उसकी सेवा करता था, बहुत उसको मानता था और बहुत अच्छी थी उसकी पत्नी। और दूसरी पत्नी जो थी उसकी बहुत सुंदर थी और तीसरी पत्नी जो थी वो मृदुभाषी थी, मीठी बाणी बोलती थी। और चौथी पत्नी जो थी उसको राजा बिल्कुल नहीं मानता था, उससे बात तक नहीं करता था। और गुरु जी की कहानी हम लोग सुने, उसमें तात्पर्य हम थोड़ा सा जल्दी में संक्षेप में कहना चाहते हैं, गुरु जी से सुनना चाहते हैं ना कि हम गुरु जी को बताना चाहते हैं। और पहली पत्नी का सारांश दिए गुरु जी की जो हमारा शरीर है, शरीर की हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सेवा करते हैं, बहुत बचाते हैं कि इसको कहीं खरोच न लगे, कंकड़ न लगे, कुछ भी न लगे, हवा गर्दा पानी धूप से बचाते हैं। लेकिन ये हमारे शरीर, हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, व्यर्थ चला जाता है, निरर्थक होता है। और राजा दूसरी पत्नी के रूप में जो गुरु जी ने बताया वो बताए पैसा है। पैसे के लिए इंसान क्या नहीं करता, पैसा देख जाता है तो छलांग लगा देता है और पैसे के लिए इंसान सब कुछ दांव पे लगा देता है। लेकिन पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारी आत्मा हमारे मोक्ष के लिए किसी भी प्रकार से काम में नहीं आता है। और उसी प्रकार राजा दूसरी पत्नी को बहुत चाहता था, बहुत उससे प्रेम करता था। लेकिन दूसरी पत्नी, जब राजा सोचा कि पहली पत्नी से पूछा कि मृत्यु के समय क्या आप हमारे साथ चलोगी, उसने इनकार किया कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि शरीर, सब लोग जानते हैं कि शरीर मृत्यु के पश्चात यही संसार में छूट जाता है और हम लोग उसको जलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। दूसरी पत्नी जो थी उसको पैसे के रूप में बताया। दूसरी पत्नी बोली कि मैं तो ये सोचती हूँ कि आप कब मरें और मैं दूसरी के साथ शादी करूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं धन दौलत खजाना जो होता है हमारा, जैसे ही मृत्यु होती है ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाता है। बच्चे जान जाते हैं कि अब पिताजी का नाम कट के हमारा नाम इसमें अपने आप आ जाएगा। और वो मित्र प्रमाण पत्र सिर्फ देते हैं वहां पे तहसील में और ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। तीसरी पत्नी जो थी राजा की वो बहुत मीठी वाणी बोलती थी, उससे राजा ने पूछा कि अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो क्या आप मेरे साथ चलोगी, उसने कहा कि नहीं, आपके साथ मैं घर के दरवाजे दहलीज तक चल सकती हूँ। राजा कहा कि बस दहलीज तक क्या, बहुत कहोगे तो दो चार कदम आगे तक चल सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकती। राजा सोचा हो जिसके लिए हम जीवन भर प्राण दे इतना प्रेम किया और दो चार कदम दहलीज से आगे तक ऐसा कर रही है। और जिस चौथी पत्नी को राजा बिल्कुल बात ही